टैक्स के तो है ही। हेलो हेलो, क्या? नहीं बाबा, बहुत ध्यान दिखता, वो पढ़ते टाइम पहनता बस मैं, निकल को तो याद ही नहीं लाया है मैंने। ऑनलाइन वालों आवाज सही है? यस, हाँ जी हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज सही है, आवाज सही है। ये तुम्हारा ओरल कोचिंग क्या है? ये ओरल कोचिंग, कोचिंग कोचिंग, मेरे को 2-3 लोगों ने पूछा कि ओरल कोचिंग रजिस्ट्रेशन में अटेंडेंस कंपलसरी है क्या? क्या है वो मेरे को ही नहीं पता, मुझे नहीं पता बाबा। सुकांत एक बार देख ले, आई एम नॉट श्योर वो क्या है, मुझे वही नहीं पता है। आवाज सही है क्या? ऑनलाइन वालों बता दो एक बार। विल स्टार्ट देन। अटेंडेंस ओरल कोचिंग है क्या? पर मतलब वो सिखाते क्या वहां पे फ्री में? इंटर भी? अच्छा, वो इसमें रजिस्ट्रेशन फीस में तुम्हारा? नहीं नहीं गाइस, सुकांत बच्चे लोग बोल रहे कंपलसरी नहीं है तो नहीं रहेगा। ओके ओके, अच्छा कल क्या स्टार्ट किया था? अरे बच्चा लोग शांत बैठो। फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, कौन सा एक्ट चालू किया था अपन ने? जल्दी 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 रिवाइज कराओ कल का, कौन सा एक्ट? एक मिनट, ये बड़ा बंदे। हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इंट्रोडक्शन किसको याद है इसका बोल? ऐसे नहीं बोलते, फर्स्ट केम इन टू फोर्स ऑन, एग्जैक्ट डेट क्या है? 1 अप्रैल 1949। फिर अप्लाई किसको होता है? होल ऑफ इंडिया, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। फिर उसके आगे क्या था स्कोप में? इट इज अ, भाई क्या ये सोशल वर्क जैसा नहीं है क्या? हाँ है ना? यस, इट इज अ सोशल लेजिस्लेशन विच हैज बिन इनेक्टेड फॉर, क्यों मतलब ये क्यों आया? फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर। किसका? वर्कर्स का। कहाँ पे? एट वर्क प्लेस। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था। देन 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 एक ही चीज पढ़ी थी कल है, एक ही चीज पढ़ी थी ना कल? अरे मतलब मेन नहीं, नहीं रो बता, फैक्ट्री की डेफिनेशन तूने बताई थी क्या कल? अच्छा तूने बताई थी। कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, कौन बता रहा है आज? इसको आती है, मेरे को पता है। किसको 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 बता अदनान सर? हाँ, एनी प्रीमाइसेस? हाँ पता है उसको, शट अप। हाँ आर वर्किंग और वर वर्किंग, कब?
ऑन एनी डे बराबर इन प्रीसीडिंग हाँ और कैरिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब एक साथ बोलेंगे क्या अच्छा हाँ बराबर एक्सक्लूडिंग चार लोग कौन रेलवे स्टेशन है रेलवे शेड्स हाँ रेस्टोरेंट खाने की जगह और आर्मी है ना सब बोलो एक बार सेक्शन नंबर टू एम क्या डेफिनेशन एनी प्रिमाइसेस और प्रेजेंस 20 or more workers without the aid of power are working, were working on any day in preceding 12 months carrying on manufacturing process. Char log exclude kon? Mines, railway sheds, restaurant, any eating place or armed force of union that is army. Haki na? Abhi dekhna. अब ये पॉइंट्स पढ़ो तुमको कुछ भी टफ लग रहा है क्या इसमें बट तो ले अब कुछ भी टफ लग रहा है क्या इस तरीके से एग्जाम में लिखना चाहो तो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो क्या बोला है देखो जहां पे वेर ऑन 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच क्या कैरी हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग ये विद द एड के विदाउट द एड है 10 और मोर वर्कर्स विद द एड ऑफ पावर डन ये पॉइंट्स आने चाहिए सेकंड पॉइंट में सेम चीज बस क्या चेंज होगा 20 और मोर वर्कर्स जहां पे यस विदाउट द एड ऑफ पावर कुछ अलग है नहीं इट एक्सक्लूड्स क्या क्या लिखेंगे अपन देख बट इट डज नॉट इंक्लूड सीधा बोल सकता हूं मैं इट एक्सक्लूड्स कुछ भी बोलो क्या क्या माइन और देखो माइंस फिर आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन रेलवे रनिंग शेड या होटल रेस्टोरेंट और एनी ईटिंग प्लेस कुछ भी दिक्कत है कोई भी दिक्कत है बस यही इतनी डेफिनेशन है इसकी क्लियर है लिख पाएगी अभी या शाबाश चलो आज शुरू होने से पहले एक सवाल मेरा क्या है एबीसी लिमिटेड है अगेन ये क्या है एक चलो फैक्ट्री नहीं है बोलूंगा मैं अभी फैक्ट्री है क्या नहीं तुमको बताना है सर ये फिक्स करिए सितार बज रहा है माइक से ये क्या हुआ चेक कर एक बार ऑनलाइन जरा ऑनलाइन वालों आवाज सही नहीं है क्या ये कौन कर रहा है खुर 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 वो तो ठीक अच्छा मोहितो ऑनलाइन में चेक करो आवाज कैसी है आवाज सही नहीं है क्या तुम्हें ऑनलाइन वालों अच्छा बीच बीच में आवाज आ रहे है एक मिनट चेक करता हूं मैं अपने यहां से आ रही है ना हेलो हेलो पर ऑनलाइन में आ रही है तुमको तो चल जाएगा ये अभी ऑनलाइन में ठीक हुआ है क्या बताओ एक बार हेलो 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 एडजस्ट कर सकते क्या एडजस्ट काली जुबान बहुत आवाज आ रही है हेलो 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 थोड़ा फिक्स हुआ है तुमको चलेगा क्या पर इतने में ऑनलाइन वालों मैनेजेबल है क्या क्योंकि अपन तो टेक्नीशियन वाले बंदे हैं नहीं टेक्नीशियन वाले बंदे आते आते लेक्चर खत्म हो जाएगा ओमकार को बुलाओ क्या
हेलो 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 हेलो, ऑनलाइन वालों अभी सही है क्या? बताओ एक बार। क्या हुआ? अभी अभी सही हो गया है, अभी सही हो गया है, अभी सही हो गया है। हाँ अब सही है, बस वो पीछे से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, उतना ठीक है, मैनेजेबल है भाई, वो देख लेना बाद में। आगे के लेक्चर ऐसा नहीं होने चाहिए। रहने दे, चलो अभी मत हाथ लगा, चलो ध्यान दो। हैं, बंद कर रहे, मेरे को खुद की आवाज़ सुननी पड़ रही है। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड क्या एक कंपनी है? हाँ पब्लिक कंपनी है। कैरिंग ऑन क्या? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, MF नहीं लिखते, कुछ और हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स आर एज फॉलोस। हाँ देखो, ये क्या काम कर रही है, क्या काम कर रही है? मान लो ये शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। क्या करती है? शर्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, राइट? स्कर्ट्स नहीं, शर्ट्स, शर्ट्स। एंड ये है, बोलो, विदाउट दी एड ऑफ पावर, विदाउट दी एड ऑफ पावर, ऑल राइट। इसके पांच, कितने लोग? पांच लोग क्या करते हैं? बटन्स बनाते हैं। क्या करते हैं पांच लोग? बटन्स मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर 10 लोग, 10 लोग क्या करते हैं बोलो तो? स्टिचिंग करते हैं। 10 लोग क्या करते हैं? स्टिचिंग करते हैं। फिर और क्या बनाते हैं? लोगो बनाना है, मतलब वो एम्ब्रॉयडरी कर रहे बोल रहे हो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा उसके पहले मैं लिख रहा हूँ, तीन लोग ये कर रहे हैं क्या? अपना वॉचमैन है वो फैक्ट्री के, क्या है? तीन लोग क्या है? वॉचमैन है फैक्ट्री के। कितने हो गए टोटल? कितना हुआ? 18। चलो दो लोग क्या कर रहे हैं? एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी पता है सबको, वो ऐसा कुछ तो डिज़ाइन करते हैं स्टिच कर कर करके। सवाल ये कि ये फैक्ट्री है या नहीं है, फैक्ट्री है या नहीं है? कितने लोग बोल रहे हैं? 1 मिनट 1 मिनट, अरे फिर से आ रही है स्क्रीन, छोटी हो जा रही है। ऑनलाइन वालों तुम्हारे से भी सवाल, ये फैक्ट्री है या नहीं है? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं है? कितने लोग बोल रहे हैं नहीं है? 20 लोग हो गए, मतलब है। हाँ जी है बोल रहे हो, क्या बोला है? नंबर ऑफ वर्कर्स, तुमने वर्कर्स का डेफिनेशन पढ़ा है क्या अब तक? तो तुमको कैसे पता वर्कर्स में कौन इंक्लूड होता है कौन एक्सक्लूड होता है? क्या सवाल? भावनाओं से दे रहे हो जवाब। अब मैंने बता दिया, वर्कर्स में कोई कोई इंक्लूड होता है एंड कोई कोई एक्सक्लूड होता है। अपने 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 भावनाओं से बताओ, क्या लग रहा है कौन से लोग इंक्लूड हो गए वर्कर्स के डेफिनेशन में? जो जो फैक्ट्री के अंदर काम करते, अब तो मैंने वो लाइफ गार्ड बिठाया है अंदर है। हाँ, देखो बेसिकली वर्कर्स में कौन लोग आते हैं? वही लोग जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, जो
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है। अच्छा, बटन्स वाले है क्या? है। स्टिचिंग वाले है? बिल्कुल है। मैन्युफैक्चरिंग वो बनाना ही तो होता है। कितने हो गए? 15। वॉचमैन है क्या? मैन्युफैक्चरिंग है क्या? नहीं ना। एम्ब्रॉयडरी वाले आ जाएंगे। कितना हुआ टोटल? 15, 16, 17 हुआ है। और ये क्या है? विदाउट द एड ऑफ पावर, मतलब कितना चाहिए? मिनिमम 20 चाहिए, 20 और मोर। तो क्या ये फैक्ट्री बनेगी? क्या ये फैक्ट्री बनेगी? नहीं। समझ रहे? इसमें मैं मान ले और 5 लोग जोड़ दूँ, जो क्या काम कर रहे हैं, क्या संभाल रहे हैं? अकाउंट संभाल रहे हैं। फैक्ट्री है? हाँ, अकाउंट्स मैन्युफैक्चरिंग में आता है। अकाउंट संभाल रहा है, तुम्हारा हिसाब संभाल रहा है। ये भी नहीं आएगा, अभी भी 17 ही लोग हैं। हाँ कि ना? यस। मान ले मैं एक और लोग जोड़ रहा हूँ, जो क्या बना रहा है? क्लॉथ। क्या अभी फैक्ट्री हो गई? क्यों नहीं? 17 थे, 18 हुए। जब तक मैन्युफैक्चरिंग वाले लोग कितने नहीं होते? 20। तब तक वो फैक्ट्री नहीं कहलाएगी। समझा ऑनलाइन वालों तुमको भी? हाँ या ना? तो क्या लग रहा है, अगला डेफिनेशन किसका पढ़ना चाहिए अपने को? वर्कर्स का। हाँ या ना? कट है, कट है। यस, सेक्शन 2। देखो जो भी डेफिनेशंस कौन से सेक्शन में दिए रहते, 2। अगर अंदर का लेटर याद नहीं आता रहेगा तो क्या लिख के आएंगे? 2 तो लिख के आ सकते हो ना। एज पर सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वर्कर मींस डेफिनेशन है ना। फैक्ट्री का याद है? 2 एम। यस, ठीक है। तो चलो लिखो, पुस्तकें निकालो। 4 फोर्थ नंबर की डेफिनेशन है। हाँ, करना लो, करना लो। आंसर राइटिंग अपन एंडिंग में रखे है ना। हाँ ठीक है, छोड़ दो वैसे फिर। नहीं, एक पेज लगेगा उसके लिए, क्योंकि तुमको फैक्ट्री की डेफिनेशन तो लिखने से पढ़ने वाली है वहाँ पे। देखो आंसर राइटिंग की अलग बुक चाहिए मेरे को, उस हिसाब से तुम अपने हिसाब से देख लो। पहले चलो वर्कर का डेफिनेशन लिखो। यहाँ पे क्या नंबर है भैया? 4 है, यहाँ पे भी 4 ही लिखूंगा मैं। पहले डेफिनेशन लिख लो क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे। वर्कर, ए बड़बड़, क्या डाउट है? बड़े बड़े चुपट बस।
हो गया लिख के। हाँ बोल लो। वर्कर एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बताता हूँ। मतलब इनडायरेक्टली मतलब तूने कोई वर्कर तेरे पास आया, तूने उसका इंटरव्यू लिया और तूने उसको काम पे रखा। या तो जरूरी है क्या तू बस इंटरव्यू लेने के बाद ही कोई पर्सन को काम पे रखे? क्या एजेंसीज नहीं रहती है जो वर्कर सप्लाई करती है? करती है ना आउटसोर्स। हाँ तो वो इंक्लूड ही नहीं करना है ना अपने को। बट जो एजेंसी से वर्कर्स आए मैन्युफैक्चरिंग वाले के लिए, क्या वो इंक्लूड करेंगे क्या अपन? हाँ करेंगे, इसलिए वो पॉइंट है वहाँ पर। डन। ओके सर। तू अभी आज ही बुक नहीं लाया? अरे अच्छा। ये बुक का प्राइस सारे, मैंने पवन से बात की है, सारे फैकल्टीज का एक साथ बुक्स तुमको देंगे तब। नहीं तो एक ही बुक का प्राइसिंग निकालेंगे तो वो महंगा जाएगा इसके लिए। तो एक हफ्ता भर रुक जाओ, चाहिए तो ये चैप्टर एक नोटबुक में लिखो, देन आगे के चैप्टर्स अपने ये बुक में लिख लेना। या तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम फिर से लिख सकते हो इसमें, मैंने मना नहीं किया है, पर अभी तो बुक में लिखना है तुम्हें कोई ना कोई। फिर जब ये बुक आ जाएगा, एक संडे पकड़ने का, 2 घंटे बैठने का और पूरा लिख लेने का, तो 2 बार लिख लोगे, लर्न हो जाएगा। देखा स्ट्रैटेजी मेरा। ओ हुआ कंप्लीट? अरे फटाफट लिखो रे। हल्लो हल्लो चालू है। डन कि नहीं? हुआ करूँ क्या, सिखाऊँ थोड़ा सा मैं? यस। किसका डेफिनेशन देख रहे हैं अभी अपन? वर्कर का। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वर्कर को डिफाइन करो। कर पाएंगे क्या? कुछ लिखते लिखते ही समझ गया डेफिनेशन? कौन समझा पाएगा क्या ये डेफिनेशन? कोई समझा पाएगा क्या? ऐसे ही इधर से ही। अरे पार्टिसिपेट करो रे। हाँ एक एक पॉइंट का मतलब बता दिया तो भी चलेगा। हाँ। नहीं मालूम नहीं है, वो ऐसा नहीं है, ध्यान देना। क्या है, कोई भी पर्सन एम्प्लॉय हुआ है, अभी तुमने कंपनी खोल के रखी है, ठीक है, तुम्हारे को वर्कर्स लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। मैं आया वो को, है ना, मैं आया, मैं बोला जरा काम दो, दिहाड़ी पे काम करना है हमें। मैं आया, तुमने मेरा इंटरव्यू लिया और काम पर रख लिया, तुमने वो डायरेक्टली अपॉइंट किया कि इनडायरेक्टली किया? डायरेक्टली किया। ऑन दी अदर हैंड मान लो तुम्हारी ही कंपनी है, मैं कोई एजेंसी में हूँ। कौन सी एजेंसी में? वो एजेंसी का काम क्या है? वर्कर सप्लाई करना। वो एजेंसी का काम क्या है? वर्कर सप्लाई करना। तो तुम्हारी कंपनी ने कांटेक्ट किससे किया, मेरे से किया कि एजेंसी से किया? एजेंसी से कांटेक्ट किया और बोला कि ये बिल्डिंग बनाने की है, 1 साल के लिए मेरे को वर्कर्स चाहिए। बिल्कुल, उसने मेरे को सप्लाई किया। तो मैं डायरेक्टली अपॉइंट हुआ कि इनडायरेक्टली हुआ? इनडायरेक्टली हुआ ना, है ना। तो भले वो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली हो सकता है, वर्कर के डेफिनेशन में आएगा क्या? आएगा विद और विदाउट दी नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। इसको होल्ड पर रख रहा हूँ मैं, अगला पॉइंट पढ़ रहा हूँ, वेदर फॉर रेमुनरेशन और नॉट। वर्कर के डेफिनेशन में आने के लिए तुमको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये पॉइंट मैटर करता है क्या? तुम फ्री में भी काम कर रहे हो, उसके पास वर्कर कहलाओगे क्या? कहलाओगे। रेमुनरेशन मतलब क्या? उसके वेजेस हो गए, उसके सैलरी हो गए, कुछ भी पैसा, तो उसको पैसा दे या नहीं दे, वो ये सेक्शन बता रहा है क्या? नहीं, वर्कर तो है ही, वो पैसा मिल रहा है या ना मिल रहा हो। इन एनी
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर लिया डिस्कस इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. एक्सक्लूड किसको किया है अगेन? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, मतलब कौन? आर्मी, है ना. चारों पॉइंट क्लियर है? यस. ये वाला पॉइंट कोई समझा पाया ना भाई? जोरदार. विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. देखो पढ़ के क्या लग रहा है ये, एक सेकंड में बता रहा हूँ. पढ़ के क्या लग रहा है कि एम्प्लॉयर को पता नहीं है फिर भी वो काम पे, ऐसा कैसे हो सकता है क्या कभी? तो क्या इसके पॉइंट का मतलब? नहीं, हाँ, पर उसको तो पता है ना एजेंसी के थ्रू ये सारे वर्कर्स आए हुए हैं, ये वर्कर्स है. ऐसा है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता ही नहीं है मेरे इधर काम करता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. तुम्हारे ड्रीम कंपनीज कौन सी है, कहाँ काम करना है? कहाँ पे? विप्रो. विप्रो का ओनर कौन है? नारायण मूर्ति. मेरे को नहीं पता ये वाला, देखिएगा ऑनलाइन. अजीम प्रेम जी इंफोसिस के नारायण मूर्ति है. अजीम प्रेम जी, ठीक है. विप्रो के ओनर कौन? ओनर कौन? अजीम प्रेम जी है, ठीक है. हाँ है ना अभी भाई. आर्यन तू विप्रो में काम को लगा क्या? अजीम प्रेम जी को बनक भी रहेगी तो उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इधर के ब्रांच में काम कर रहा है, उनको बनक भी रहेगी तू यहाँ काम कर रहा है. तुम कोई टाटा कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, रतन टाटा. अरे राटा, हाँ रतन टाटा. इन्हें ज़रा भी भनक होगी वो तुम्हारे, तुम उनके पास काम कर रहे हो, तो ज़रूरी है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता हो कि ये व्यक्ति मेरे पास काम कर रहा है. नहीं, समझा भाई? लॉजिकल है ना ये, हर एक को दिखते बैठेंगे क्या छोटे छोटे वर्कर्स को? तू गया उनके पास वो बिल्डिंग विल्डिंग कुछ दगड़ उठाने, देखो पहचानेंगे क्या वो? जस्ट बिकॉज वो तेरे को नहीं जानते, तू वर्कर के डेफिनेशन से बाहर, चलेगा? नहीं चलेगा. तो विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पता है या नहीं पता है उससे फर्क नहीं पड़ता. समझिए वर्कर की डेफिनेशन? पक्के से? हाँ. वर्कर का डेफिनेशन अपन ने कर लिया, फैक्ट्री का डेफिनेशन अपन ने कर लिया. एक कॉमन टर्म बहुत बार आया है उसमें, कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मतलब एग्जैक्टली क्या? एग्जैक्टली क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी? मतलब रॉ मटेरियल उठाया, ये प्रोसेस किया और भेज दिया, दैट्स इट, इतना ही है. इसको भी फैक्ट्रीज एक्ट ने प्रॉपरली क्या किया है? डिफाइन किया. तो अगला कौन सा पढ़ना है अपने को? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार मार्क मार लो, ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, कई दफा पूछा है, बहुत बार, ठीक है. अरे हो अगला हेडिंग क्या होगा? एक बार वोकर की डेफिनेशन बता दो. एनी पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज थ्रू एन एजेंसी. फिर क्या है? विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन. अच्छा, विदाउट, विथ और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन. फिर इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा? इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओयो, एक्सक्लूड द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस. ईजी अबाउट डेफिनेशन? बहुत ही ज्यादा, इससे आठ तो 12th स्टैंडर्ड था, आया ना. फिफ्थ नहीं, ये कौन सा पॉइंट है? थर्ड. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अपन इसके हिसाब से चल रहे ना, क्रॉस मार्किंग. तो मतलब तुम जब बुक में इधर पढ़ोगे
तुमको डायरेक्टली वो मिल जाएगा कौन से पॉइंट पे है, इसलिए। क्या हुआ? हाँ, फैक्टर का क्या नंबर दिया अपन ने? 5 नंबर दिया। तो ऐसा करके अपन 1 2 सब लाइन में आ जाएंगे, मत लोड लो। अगला कौन सा है? देखो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ये डेफिनेशन है, ये लर्न होना ही चाहिए। करो लर्न, लर्न करो, लर्न करो ऐसे ही। ये लर्न होने लायक भी है क्या डेफिनेशन, बताना मेरे को। पढ़ तो ले पूरा। आर्यन, ये डेफिनेशन 2 मिनट में लर्न करके दे फटाफट, 2 मिनट में लर्न करके दे। हाँ, लर्न करके समझने जैसे ही नहीं इसमें कुछ, इसको लर्न करने जैसी चीज है। क्या क्या? पहला, पहले देखो कितने सारे वर्ड्स हैं। मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, ब्रेकिंग अप, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग, अदरवाइज ट्रीटिंग और अडेप्टिंग टू एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद अ व्यू टू इट्स यूज, सेल, ट्रांसपोर्ट, डिलीवर और डिस्पोजल। हो गया, चलो आगे। क्यों नहीं, थोड़ा, हाँ 15 है वो टोटल, गिन भी लिया। तो इसको याद करने का प्यारा तरीका, मैन्युफैक्चरिंग में अपन क्या करते हैं चीज़ों को, हिंदी में बोलूँ तो मरोड़ के सही चीज़ बनाते हैं, है ना, मरोड़ते हैं, है ना। तो बस वही करना है। पहला पॉइंट क्या है? मरोड़। पहला पॉइंट क्या है? स्पेलिंग बराबर है ना मरोड़ की? एम से क्या आएगा? एम से क्या आएगा? मेकिंग। ए से ऑल्टरिंग। आर से रिपेयरिंग। ओ से ऑर्नामेंटिंग। और एम ए आर ओ डी, डी से डिमोलिशिंग। बिना देखे बताओ, एम से मेकिंग, ए से ऑल्टरिंग, आर से रिपेयरिंग, एम ए आर ओ से ऑर्नामेंटिंग और डी से डिमोलिशिंग। दैट्स इट, ये 5 याद रखने अपने को, रह जाएगी। यस, मरोड़ के क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और वो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद क्या होगा? ऑब्वियसली बेचेंगे ना, सीधी बात ना। तो मरोड़ के क्या करना है अपने को? फिनिश हो जाएगा वो। अच्छा, मतलब देखो, मरोड़ फिनिश, मतलब एक और टर्म मिल गया तुमको, 6 फिनिशिंग है वो, ये वाला जो मैंने लाल किया है ना यहाँ पे, हाँ, जो मरोड़ करके फिनिश, समझा? बताओ क्या है पहला, कौन बता रहा, समृद्धि बता, क्या था? स्टार्ट, मरोड़ और फिनिश, सिंपल, क्या है? फुल फॉर्म्स, मेकिंग, ऑर्नामेंटिंग, अच्छा ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, डिमोलिशिंग एंड फिनिशिंग, ये 6 याद रखना है बस, ठीक है? ब्रेकिंग अप याद रहने वाला है, वो रह लो, रख लो याद। अभी इसके ऊपर जितने भी याद करोगे बोनस। मरोड़ करके फिनिश हो जाएगा फॉर। ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं भाई? सिंपल, फॉर, सेल, यूज, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल, हाँ कि ना? देखो, इसमें समझने ऐसा नहीं है, इसमें लर्न करने वाली बात है। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चीजें क्या हो रही है? मरोड़ के फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और वो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद क्या क्या हो सकता है उसके साथ? सेल हो सकता है, यूज हो सकता है, अच्छा ट्रांसपोर्ट या सेवा भी कर सकता हूँ मैं, यस, और डिस्पोज कर रहा, मतलब क्या? खलास, खत्म, टाटा बाय बाय, आया ना? यस और नो? बराबर, फर्स्ट पॉइंट याद हो गया, फर्स्ट पॉइंट याद होगा यहाँ का। अभी ये क्या करना है आगे के? हाँ, अब पहले लिख लो फिर करेंगे।
ध्यान दो यहाँ पे, ये हो गया क्या लिख के? हो गया, हो गया लिख के? अच्छा ऊपर का लिखना है, लिखो पहले इतना क्या हो गया। ये देखो बड़ा इजी है, ये प्रोसेस ऐसी होती है सारी चीजें, तुम समझोगे मैं बताऊंगा तब। सबसे पहले क्या हो रहा है, करके देखो अच्छा लगता है, करके देखो अच्छा लगता है, सब करेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, सब करेंगे। मैं कर रहा हूँ स्टेज पे खड़े रह के, तुमको शर्म आ रही है, तुम भी घर पे करो ये, मम्मी पापा बोलने चाहिए क्या कर रहा है, करना है मतलब करना है, तुमको अटेम्प्ट की कसम है अपने। हाँ अब मत करो, कोई नहीं मत करो, क्या है पंपिंग, फिर ऑब्वियसली देखो पंप होने के बाद क्या होगा, जनरेट होगा, ऑब्वियसली पंप होने के बाद क्या होगा, जनरेट होगा, ये सुनो, फिर पंप हुआ जनरेट हुआ, फिर कुछ तो चीज बनेगी ना उससे, क्या हुआ कंपोजिंग, क्या हुई कंपोज हुई कोई चीज, है ना। अभी बस कंपोजिंग चलेगा क्या, उसको थोड़ा प्यारे तरीके से अच्छे से बनाए, वो है ऑलरेडी ऐसे, थोड़ा और चाहिए ऐसा जो शेप रहे। मैं ये वास का कर रहा हूँ गंदे बच्चे, तुमको क्या लग रहा है ना। तो कंस्ट्रक्टिंग अभी मैंने बना लिया, फिर प्रिजर्व नहीं करूँगा क्या उसको, मेरे पास ही करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो क्या स्टेप्स है, सब करेंगे, पंपिंग जनरेटिंग कंपोजिंग कंस्ट्रक्ट करो फिर उसको, और फिर प्रिजर्व रखो, ऐसा प्रिजर्व ऐसा, ठीक है। हाँ थोड़ा लॉ के लैंग्वेज में बोलूँ तो पंप क्या होता है भाई, हाँ पंप क्या होता है, अरे मतलब क्या, कौन सी चीज, ऑयल या तो वाटर, ऑयल या तो वाटर, जनरेशन किसका जनरेशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो नॉर्मल ये कोरिलेटेड टर्म्स लग रहे हैं। जनरेशन किसका होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। कंपोज क्या होगा, नहीं यहाँ पे सॉन्ग नहीं बनाना है अपने को, कंपोजिंग में आ रहा है प्रिंटिंग, कुछ तो ही प्रिंटिंग विंटिंग तुम कर रहे हो, प्रिंटिंग इंजीनियर। कंस्ट्रक्ट क्या करने की बात चालू है यहाँ पे, बिल्डिंग नहीं मॉडल रहे, अपन मॉडल बना रहे थे ना, बट किसका मॉडल, शिप मॉडल्स रे, यस शिप, शिप शिप भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्ट होते नहीं होते, बिल्कुल होते। प्रिजर्विंग यानी क्या, प्रिजर्व करने की बात चालू है, क्या लगा रहेगा, कौन सी चीज प्रिजर्व करने की जरूरत है, कहाँ पे प्रिजर्व करेगा, प्रिजर्विंग इन वेयरहाउस, या तो एक और चीज है, हाँ नहीं रे, होता है नहीं कोल्ड स्टोरेज, बिल्कुल होता है, हाँ या ना, यस। एक और पॉइंट आखिरी में, इसका कुछ बना नहीं तो तुमको याद रख लेना पड़ेगा ऐसे ही। बुक बाइंडिंग, क्या बुक बाइंडिंग, क्लियर है, क्या क्लियर है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन बताओ। अच्छा अच्छा पहले लिख लो, चलो लिख लो पहले, देखो ये सारी चीज़ें कंसेप्ट तो है ही नहीं कुछ इसमें, ये याद करने वाली बात है और ऐसे ही याद होगा, ये एग्जाम में ऐसे करोगे, हाँ 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 डर जाएगा मुझ। ऑनलाइन वालों दिक्कत है क्या कुछ, मतलब कोई भी ये डाउट्स है तुम्हारे, यस यस कोई भी डाउट, दो मिनट दे रहा हूँ लर्न कर लो, फिर मैं किससे भी पूछेगा। बुक बाइंडिंग बस उतना चे, बुक बाइंड करने वाली चीज़ है वो, हाँ नहीं बस इतना। देखो इसका एडिशनल तुमको कुछ लर्न करना रहेगा तो यहाँ से पढ़ लो, बुक बाइंडिंग इतना चाहिए यहाँ पे भी। देखो कंस्ट्रक्टिंग में क्या, रिकंस्ट्रक्टिंग रिपेयरिंग रीफिटिंग फिनिशिंग ब्रेकिंग अप ऑफ शिप ऑफ वेसल्स, ये वैसे ही याद हो जाएगी तुम्हें। तो एक बार ये इसका पूरा मेन बॉडी है, फिर एक बार मेन नोट से रीड कर लो, चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, दो मिनट दे रहो। पहले तो एक बार सब साथ में, पहला पॉइंट क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, मरोड़ 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 फिनिश, एम से मेकिंग ऑल्टरिंग
रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, डिमोलिशिंग, फिर क्या होगा एक फिनिशिंग, फाइनल प्रोडक्ट आ गया। फॉर व्हाट? सेल, फॉर पर्सनल यूज, ट्रांसपोर्ट या डिस्पोजल। फिर आ रहा है अपना लाइफ साइकिल, पंपिंग, जनरेटिंग, कंपोजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्रिजर्विंग, आखिरी वाला बुक बाइंडिंग। अच्छा क्या था पहला? ये क्या होता है? पंपिंग क्या हो रहा है? ऑयल या तो वाटर। फिर जनरेट क्या? इलेक्ट्रिसिटी। फिर कंपोजिंग काय का था? प्रिंटिंग का था, वो प्रिंटिंग का था। फिर कंस्ट्रक्शन किसका? शिप मॉडल्स या शिप वेसल्स वगैरह सारी चीजें। और प्रिजर्विंग कहाँ पे? वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ऐसी सब जगह। लर्न हो गया? इजी बीजी, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी है ना? क्या हो गया? अभी तो आ जाएगा, मेरे को पता है, अपने पास है वक्त, है आंसर बाद में लिखेंगे। यस, अभी अगला अपने को क्या पढ़ना है? अगला क्या पढ़ना है? हजार्डियस प्रोसेस। हेडिंग दे दो, क्या तरह पेज नंबर 151 था कुछ शायद, यार ये ऊपर चला गया। क्या हो रही है? खुशी खुशी हजार्डियस प्रोसेस। हजार्डियस प्रोसेस मतलब क्या? क्या लग रहा है नाम से? हार्मफुल, रिस्क वाला, यानी डेंजरस। क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें? एक तो केमिकल्स, बराबर है, और ठीक है गैसेस जो हार्मफुल है, और वेस्टेज जो हार्मफुल है, भाई बराबर हो गया, वेस्टेज सीवेज उसमें ही आ गया। हाँ, और ये पता है तुम्हें भोपाल का हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी जो भी है, ट्रेजेडी मैं वो बोलने नहीं आता आज तक, क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी, ट्रेजेडी सीख गया। देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, वहां पे क्या हो गया था? गैस लीक हो गया था पूरे इसको, और सबके लग गए थे। हाया ना, हाया ना। तो सिंपल सवाल ये कि डेंजरस वाले प्रोसेस से अगर वो गैस लीक हो गई, केमिकल लीक हो गया, तो लगेंगे किसके किसके? एक तो हाँ, सबसे पहले कौन? सही बोला, कंपनी की क्या लगेंगे, आदमी लोगों की बात करो। एक तो वर्कर्स का हेल्थ, हेल्थ पे आ जाएगा, और आजू बाजू का पब्लिक, एक और चीज मैं बोल सकता हूँ, एग्जैक्टली परफेक्ट। कहाँ से पढ़ा तूने? एनवायरमेंट पॉल्यूशन, क्या ये तीन चीज अफेक्ट हो गया नहीं हो गया है ना? चलो सही है। अभी मान ले अपना अपना कौन कौन कौन, नहीं नहीं आशु भी लेंगे अपन। क्या हुआ, कल हुआ था तेरा लू? ठीक है ठीक है ठीक है, आप तो ठीक है। हाँ कुर्सी, नहीं 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 कुर्सी, कुर्सी बहुत बड़ी क्या बन गई? अरे बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गई, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट बन गई। तो उसने क्या सोचा, ये स्टेटस पॉइंट मान लो है नहीं, ये खाली जमीन पड़ी है, खापे ये भर बाजार, भर बाजार में है ना अपना ये स्टेटस पॉइंट, है ना, आजू बाजू पूरा सिटी है। उसने बोला ये भर बाजार में एक उसको जमीन मिली है,
मान लो कितनी, 1 एकड़ की, कितना 1 एकड़ की जमीन बनी मिली है, और वो बात सोची कि आजकल नशे बहुत हो रहे बच्चे लोग में, ये अच्छा बिजनेस है, तो उसने एक फैक्ट्री डाली, किसकी, किसकी, गांजा की फैक्ट्री डाली। बोला ठीक है, नशा नहीं मतलब वो गांजा प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बट ड्राइंग चाहिए, ग्रीन में चाहिए। अरे तुम्हारी तो गान हो गया, अरे फाउंडेशन में अच्छे से हो रहा था। यस, नहीं नहीं जान दे जो भी है, ये है क्या, गांजा, मान लो अभी जो है वो है, वो गांजा बना रही है क्या, वो गांजा मैन्युफैक्चर कर रही है क्या, नहीं, वो तो फैक्ट्री में गांजा मैन्युफैक्चर हुआ क्या, कहा होता है, कैसे बताया तुमको, मैंने ही बताया था क्या, अच्छा वो खेती में युक्ति है, राइट, बट उसका नशों के अलावा भी एक बहुत बड़ा यूजफुल चीज है क्या, मेडिसिंस, मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस आया ना, मेडिसिनल पर्पस के लिए, तो उसने ये फैक्ट्री डाली, क्यों डाली मेडिसिनल पर्पस के लिए। तो अब उसने क्या किया, या फैक्ट्री सेटअप कर दी और यहाँ भट्टी में पूरा का पूरा गांजा जला दिया, और इसका जो पूरा धुआं है खा छोड़ दिया पूरे के पूरे सिटी में। लोग खुश हुए उसकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना, लोग खुश हुए, तुम खुश हुए उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बट टेल मी, ये जो चीज़ की उसने, सही है, उसको ये खा करना चाहिए प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में, है ना, जहाँ पे वो पत्ते वित्ते जलाएगी और नशे करवाएगी पूरे एनवायरनमेंट को, है ना, वहाँ पे चलेगा क्या, ये क्या हुआ, क्यों नहीं चलेगा, फिर बनेगी कैसे, फिर मेडिसिन हार्मफुल प्रोसेस होते नहीं है क्या, ऐसे होते हैं ना, बट वो क्या भर बाजार में फैक्ट्री डाल के चलेगा, क्या होता है, बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे किसी भी, मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, लोगों को ज़्यादा हार्म नहीं होगा, हाँ कि ना। तो अगर तुमको ये फैक्ट्री डालनी है, किसकी, ना गांजा नहीं, हज़ारडियस कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो प्रोसेस, मेडिसिन, एनीथिंग, तो तुमको एक स्पेशल क्या लगती है उसके लिए, क्या लगती रहेंगी, स्पेशल परमिशन वगैरह लगती है, परमिशन लगती है, किससे लगेगी परमिशन, गवर्नमेंट से, कौन से, स्टेट की, सेंट्रल, इतना टाइम है तुम्हारे पास, चलो पहले एक हज़ारडियस प्रोसेस की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर तुमको फैक्ट्री सेटअप करनी है तो उसकी क्या प्रोसीजर है वो लिखेंगे, ठीक है। ऐसे तो दिया अलग अलग जगह, मतलब ये पहले पेज पे दिया है और प्रोसेस दिया है कुछ 10वें 12वें पेज पे, एक साथ लिखेंगे, मतलब वाकई वहाँ याद हो जाएगा। चलो हेडिंग डाली सभी ने, यस शाबाश, क्या बोले, जाना फिर, अरे बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है,
मतलब मैं कुछ चीज बना रहा हूँ, वो बनाते बनाते उसके रिलेटेड, नहीं नहीं उसके रिलेटेड ही वो कुछ और चीज बन गई जो हार्मफुल है, तो वो प्रॉपरली डिस्पोज होना चाहिए नहीं। तो वो जो उसके साथ साथ जो एक और चीज बन गई उसको अपन बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स, समझा? अरे अरे ये कौन इतना आवाज कर रही है? इतना अली को 1 मिनट में आया चार्जर लेके। हो गया लिख के? ठीक है, पढ़ गई, समझ रहा है? ऐसे कुछ है जो इसमें नहीं समझा तुमको पढ़ के? मटेरियल इंपेयरमेंट मतलब हाथ वाथ टूट गया या इनर बॉडीज इनर ऑर्गन्स का कुछ भी, पेयरमेंट मतलब जुड़ा हुआ, इम्पेयरमेंट मतलब वो डैमेज्ड है, ऐसा। इम्पेयरमेंट के ऊपर चाहिए तो लिख लो डैमेज। मैं आई कम इन कुछ नो बैड 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 हुई क्या लिख के? मैं तो नहीं रुक रहा, जा मैं हो गया। देखो क्या बोला है, एनी प्रोसेस और एक्टिविटी, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जहां पे तुमको क्या लेना पड़ रहा है, स्पेशल केयर लेना पड़ रहा है। किसके रिलेशन में, किसके रिलेटेड? रॉ मटेरियल के रिलेटेड, उसके फिनिश गुड्स के रिलेटेड, उसके वेस्ट के रिलेटेड या उसके बाय प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हजार्डियस गुड्स या हजार्डियस प्रोसेस। अगर इफ
नॉट टेकन केयर, अगर ये स्पेशल केयर तुमने नहीं ली तो क्या हो सकता है? मटेरियल इम्पेयरमेंट टू दी हेल्थ ऑफ पर्सन दैट कैन बी वर्कर ऑफ पब्लिक, या तो पॉल्यूशन टू दी जनरल एनवायरमेंट. काफ़ी ईजी. जल्दी इधर किधर लंच चाहिए. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? एनी प्रोसेस और एक्टिविटी रिक्वायर्ड स्पेशल केयर, किसके रिलेटेड में? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वेस्ट या बाय प्रोडक्ट्स. अगर केयर नहीं लिया तो क्या हो सकता है? मटेरियल इम्पेयरमेंट टू दी हेल्थ ऑफ पर्सन्स. पर्सन्स में कौन आ गए? वर्कर या पब्लिक, और पॉल्यूशन ऑफ जनरल एनवायरमेंट. वेरी इजी. इम्पेयरमेंट मतलब डैमेज. हो गया क्या? हाँ जी, देखो अभी अपना 15th पॉइंट देखोगे ना तुम, इधर है कि नहीं 15th पॉइंट? देखो हजारियस प्रोसेस एक मिनट ढूंढने दो. Yes. देखो यहाँ पे फिर से क्या दिया है? ध्यान दे जल्दी. यहाँ पे फिर से क्या दिया है? Hazardous process. But ये क्या है? Procedure. किसका procedure? अगर तुमको फैक्ट्री वगैरह सेटअप करनी है कहाँ पे? कहीं पर भी. किसके रिलेटेड? कुछ hazardous process के. तो किस तरीके से परमिशंस लेते चलना है? तो सबसे पहला क्या बोला है? कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट से तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी. State government may, for the purpose of advising it to consider the applications, grant of permission for initial location of the factory involving hazardous process. तो मैं चाहता हूँ सदाशिवपेट में ये location पर मेरे को hazardous process का factory डालना है. मैं जाएगा किसके पास? State government के पास. उसको बोलूँगा ऐसा ऐसा है, वो permission देगा क्या मुझे? वो उसके ऊपर अगर दे दिया तो ठीक है, पर government है वो देगी क्या? नहीं देंगी. फिर क्या होगा? अपॉइंट ऑफ अ साइट अप्रेजल कमेटी, जिसको प्यार से बोलूंगा मैं SAC. मैं स्टेट गवर्नमेंट के पास गया. अभी तुमको लग रहा है क्या स्टेट गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं वो आके चेक करेंगे ये लोकेशन सही है या नहीं है? उनको इतना टाइम है? नहीं. स्टेट गवर्नमेंट मेरी एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड करेगा? SAC को. SAC क्या है? कमेटी बनी है. वो क्या करती है? साइट अप्रेज करती है. अप्रेजल करना मतलब क्या? चेक करना कि वो सही जगह है या नहीं है. तो साइट अप्रेजल कमेटी अपॉइंट होगा. फिर साइट अप्रेजल कमेटी क्या करेगी? एग्जामिन करेंगी लोकेशन बराबर है कि नहीं, और अपना रिकमेंडेशन देगी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को. कितने दिन में देना है उसको? 90 days. कितने दिन में देना है? 90 days में. कमेटी के पास एक पावर दे रखी है, कैन कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन. लाइक मैंने बोला मेरे को यहाँ पे ये गांजे की मेडिसिन बनानी की, वो मेरे को और कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकती है क्या उसके रिलेटेड? जैसे कि ठीक है तो बना रहा है, कितने वर्कर्स रखेगा, कौन से मशीनरीज यूज़ हो गए, क्या बोला? हाँ बरबर, तू गांजा खास से ला रहा है, हाँ है ना, ये सारी चीज़ें पूछ सकती है क्या? तो पूछ सकती है. अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब अप्रूवल कौन देगा फाइनली? स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल दे दिया, तो मेरे को आगे जाके किसी और किसी भी गवर्नमेंट किसी भी अथॉरिटी से परमिशन लेने की गरज है? तो आंसर इज नो. व्हेन द एप्लीकेशन गॉट अप्रूव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू ऑब्टेन फर्दर अप्रूवल्स. क्लियर है? लिख ले इसको, उसके साथ में ही लिखना. अरे नहीं, वो तो नोट्स में सारे बड़ी चीज़ है.
हाँ, रिटर्न करने के बाद और अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगी, डोंट वरी। प्रोसीजर लिख दो। प्रोसीजर का नंबर वन क्या था बताएगा कोई? पहला क्या था सबसे? पॉइंट अप्रूवल फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? अप्रूवल मेरे को लेना पड़ेगा काय के रिलेटेड? नहीं, प्रोडक्शन करूँ कि नहीं ये पूछूंगा क्या मैं? प्रोडक्शन तो मेरे को करने का है, कोई मेरे को धंधा करने से रोक नहीं सकता। बट लोकेशन, लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू दी लोकेशन ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू दी लोकेशन ऑफ फैक्ट्री, हाँ या ना? फिर साथ ही साथ एसजी क्या कर देगा? यस, विल अपॉइंट, क्या था? एस ए सी, दैट इज साइट अप्रेजल कमेटी। साइट अप्रेजल कमेटी, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद क्या था? एसएससी विल क्या चेक बोलेंगे कि एग्जामिन? एसएससी विल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड लोकेशन, लोकेशन किसकी? ऑफ फैक्ट्री, हाँ या ना? बिल्कुल। एंड विल रिपोर्ट किसको? रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट विद इन कितने दिन में? विद इन 90 डेज। अच्छा 90 डेज कब से? नहीं नहीं, जब स्टेट गवर्नमेंट ने एसएससी को दिया ना काम, उसके 90 दिनों में एसएससी को रिवर्ट बैक करना है, समझा? तो विल रिपोर्ट टू एसजी विद इन 90 डेज फ्रॉम इट्स अपॉइंटमेंट, समझ रहे? बिल्कुल। तीसरा, एसएससी के पास एक पावर बोली थी मैंने, क्या? टू, यस, टू कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन, टू कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट, अच्छा किससे? अपने से, यानी कौन? एप्लीकेंट, अपन एप्लीकेंट कहलाएगा ना, हाँ, तो अपने से वो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकती है। एंड लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट क्या था? हाँ बराबर, थोड़ा बहुत तो याद है। इफ अप्रूव्ड बाय whom? स्टेट गवर्नमेंट, नो फर्दर क्या अप्रूवल्स रिक्वायर्ड। छोटू सा प्रोसीजर कितना अभी, हाँ कि ना? यस, ये आएगा ना एग्जाम में? क्यों इतना टफ लग रहा है तुझे ये? फिर ऑनलाइन वाला हो गया क्या? तुमको आया हजारडियस प्रोसेस पे शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट लिखने के लिए 5 नंबर का, सिर्फ ऊपर का लिख के आएंगे क्या? नीचे का भी लिख के आ जाने का, समझा? हुई क्या? हुई क्या? नहीं हुई क्या? धीरे धीरे लिखते हो रहे, कितना धीरे लिखा है मैंने, है? नहीं नहीं और 5-6 डेफिनेशंस पढ़ने आज, तो डन डन फॉर दी डे, आंसर लिखना है अभी।
आंसर लिखना है बेटा, आंसर लिखना है, है? कुछ जरूरत नहीं है, आधा घंटा कम पढ़ना है, क्योंकि रिवाइज, आंसर राइटिंग और फिर थोड़ी बहुत बातें, फिर लगे चाकाउंट्स। हाँ, कमेटी है वो, कमेटी, साइट अप्रेजल कमेटी। तू उधर ही अभी तक? अरे देवा, ऐसा लिखोगे तो मेरे को होमवर्क देना पड़ेगा तुमको, राइटिंग का वर्क चलेगा? घंटा लिखता है कोई? कुछ नहीं, जो है इधर ही क्लास में सब कुछ, मैंने बोला था ना बहुत कम होमवर्क देगा मैं, नहीं तो ऐसे तो क्या सिलेबस में एक डेढ़ महीने में खत्म कर दूँ, कर दूँ क्या? कर दो, राप रूप पड़ा गया, दिमाग में कुछ गया नहीं, वो तो है ऑब्वियसली, क्या करे तुम्हारे लिए फिकर। गिफ्ट देंगे ना, गिफ्ट, आंसर तो आंसर। अच्छा आज है या एक चॉकलेट क्वेश्चन है, ठीक है, जो है कौन सी वाली, थोड़ा अच्छी देगा, 5 रुपए की नहीं देगा। हुई क्या? नहीं हुई। चलो एक बार हजार्डियस प्रोसेस का डेफिनेशन बताना, एनी प्रोसेस और एक्टिविटी क्या रिक्वायर्ड स्पेशल केयर विथ रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड गुड्स, वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स, इफ नॉट टेकन केयर इट विल लीड टू मटेरियल इम्पेयरमेंट ऑफ हेल्थ ऑफ पर्सन, पर्सन कौन, वर्कर या पब्लिक, और पॉल्यूशन ऑफ जनरल एनवायरमेंट। प्रोसीजर सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अप्रूवल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ फैक्ट्री, फिर स्टेट गवर्नमेंट विल अपॉइंट अ SAC, दैट इज स्टेट साइट अप्रेजल कमेटी। उसके बाद क्या, साइट अप्रेजल कमेटी विल एग्जामिन द वॉट एप्लीकेशन एंड लोकेशन ऑफ फैक्ट्री एंड क्या बोला, एंड रिपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट विद इन 90 days ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट। SSC के पास एक पावर है, कौन सी, कॉल फॉर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट, टर्म्स याद रखो। और आखिरी पॉइंट, इफ अप्रूव बाय SG नो फर्दर अप्रूवल रिक्वायर्स। क्लियर है, डन? हाँ हाँ कि ना, बस स्टॉप पे या नहीं? आशु बता, चल फैक्ट्री का डेफिनेशन बता। हाँ जो नहीं लिखा है लिख लो। हाँ फैक्ट्री का डेफिनेशन बता एज पर आशु, कंपनीज एक्ट, शाबाश, कंपनीज एक्ट, शाबाश, नहीं है एज, वैसे नहीं बोलते, एज पर सेक्शन 2 सब क्लॉज M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्री मीन्स नंबर 1 क्या, एनी प्रीमाइसेस और इंक्लूडिंग प्रेजेंट्स। हाँ बोल आगे। हाँ, प्रेसिडिंग 12 months कैरिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। शाबाश, फिर दूसरा डेफिनेशन कहाँ पढ़ा अपन ने, लगेज वर्कर का, कौन बता रहा है, तू बता दे। पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब बाय वे एन एजेंसी, उसको पूछा है मैं, सेकेंड पॉइंट। देखो विथ और विदाउट दो बार आ रहा है, कैसे भी बोल फिर। हाँ, विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है कि एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है, एम्प्लॉयर, विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ऐसा नहीं, पूरा सेंटेंस सही है. इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक्सक्लूड किसको किया है? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स. सब बोलेगा एक बार, एनी पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ एन एजेंसी, इनडायरेक्टली में विथ और विदाउट, विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और रेमुनरेशन वाला पॉइंट. इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्सक्लूडिंग आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन. शाबाश. अगला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या था? मरोड़ के फिनिश करना है. एम से मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, डिमोलिशिंग, फिनिशिंग फॉर सेल, यूज, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल. आया ना? फिर क्या था? पंपिंग, जनरेटिंग, कंपोजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, प्रिजर्विंग और आखिरी बुक बाइंडिंग. ये क्या करते हैं? पंपिंग क्या? ऑयल और वाटर, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कंपोजिंग में आता है प्रिंटिंग और कंस्ट्रक्टिंग में शेप वेसल्स एक्सेट्रा एंड प्रिजर्विंग वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज. शाबाश. और अगला फिर क्या पड़े? हजार्डियस प्रोसेस. क्या हजार्डियस प्रोसेस की डेफिनेशन? किधर गया? एनी प्रोसेस और चुप चालू है सब साथ में. एनी प्रोसेस और एक्टिविटी रिक्वायर्ड स्पेशल केयर फॉर मटेरियल, फिनिश गुड्स, वेस्ट, बाय प्रोडक्ट्स नॉट टेकन केयर, मटेरियल इम्पेयरमेंट ऑफ पर्संस, पॉल्यूशन ऑफ प्रोसीजर. क्या करना है? अप्रूवल लगेगा स्टेट गवर्नमेंट. फैक्ट टू, लोकेशन ऑफ फैक्ट्री. फिर वो अपॉइंट करेगा किसको? SAC, साइट अप्रेजल कमेटी को. कमेटी क्या करेगी? विल एग्जामिन व्हाट? एप्लीकेशन एंड लोकेशन ऑफ फैक्ट्री एंड रिपोर्ट टू SG विद इन 90 डेज ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट. अच्छा, फिर उसके साथ एक पावर है. कौन सी पावर? टू आस्क एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी एप्लीकेंट. और आखिरी पॉइंट, वंस अप्रूवल रिसीव फ्रॉम SG, नो फर्दर अप्रूवल्स. शाबाश, धन्यवाद. अभी क्या करना है? 3 मिनट में रिवाइज किया, 3:30 बजे थे, 3:33 हो गए अभी. क्या बात है? क्या बस बस स्टॉप पे बोला मैंने, इधर नहीं. अपने पास एक और ब्रह्मास्त्र है जो तुमको अब भी चाहिए. नहीं, अब भी नहीं मिलेगा. रुको. नहीं 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 नहीं, नो नो. मैं बहुत कम पढ़ाया है, बहुत ही ज्यादा कम. अब तक आधा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए था 2 लेक्चर्स में, इतने बड़े बड़े. फिर किधर गया ब्रह्मास्त्र? सर दिख रहे हैं. एक मिनट, तब तक तुम सावन का पानी गाना गा सकते हो. खुशी करेगी क्या डांस उस पे? अरे कर रहे हैं. विश्वजीत भाई, जरा नाम पढ़ने को आधा घंटा चला गया मुझे. बना लेंगे एक वीडियो, ठीक है? कुछ नहीं हुई, मैं ब्रह्मास्त्र ढूंढ रहा. एक मिनट. अरे कुछ होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए. मिचोली. हाँ, दे देगा. अच्छा,
क्या देंगे तुमको? एक दिन की छुट्टी। क्या था क्या था क्या था अपना बच तू? यस नहीं नहीं पता है, वही तो बोला मैंने। अरे नहीं पता है, वही तो बोला। हर कुछ गलत बोला क्या मैंने? नहीं पता है। अच्छा बोल रहे बोल रहे, अरे बोल रहे, अरे बोल रहे छोटी। हाँ ये अपने क्या है सारे के सारे? अरे ध्यान दो, अरे मेरे को भाव दो, मेरे को भाव दो। ये पीडीएफ क्या है पूरी? आवाज नहीं क्या है? हेलो, तुम्हारा आवाज ज्यादा है। हेलो, हाँ ये पीडीएफ कौन सा है? अरे आर्यन थोड़ा भाव। ये पीडीएफ में क्या है सारे? क्वेश्चन आंसर्स, बस क्वेश्चन आंसर्स लग रहे क्या? तो क्या लग रहे हैं? नहीं, ये तुम्हारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है सारे। कब से? 2000, अंदाजा लगा लो। 2012 से, ठीक है? उसके पहले सिलेबस दूसरा था, ये सब चीज़ें नहीं थी, तो इसलिए 2012 से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूरा ये पीडीएफ में, जो मैं तुमको अब भी नहीं देगा, ठीक है? चलो फास्ट ये आंसर लिखने का अपने को। हाँ ऑब्वियसली। ओ बेटा मैं बोला था ना 3:30 तक बढ़ा के आधा घंटा डिस्कशंस क्वेश्चन आंसर्स का। शट अप शट अप, मैं पढ़ा रहा 1 ही घंटा शिद्दत में। देखो अपना लेक्चर का ब्रेकडाउन कैसा है। 2:15 को स्टार्ट किया, 2:15 से 2:30 तक होता है कल का रिवाइज, फिर सिंपल बस 2:32, 3:30 में होता है पढ़ाई, जो भी है पढ़ाई हो रही है, और फिर 3:30 से 4 में होगी क्या? क्वेश्चन आंसर्स, राइटिंग प्रैक्टिस, एवरीथिंग, समझा? तो घर पे जाके ताप रखने का है क्या? कोई चीज़ का नहीं रखने का है। तो इसके लिए अभी मीट छोली जल्दी, वही है सेम है, बड़े थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन लिखो मत, डायरेक्ट आंसर है? मैं दे देंगे ये पीडीएफ बाबा, डायरेक्ट आंसर चाहिए मेरे को इसका। आंसर लिखो इसका खुद से, मैंने बताया था तुमको आंसर किस तरीके से लिखना है। पहले पहला पेज खोलो अपने बुक का। नहीं नहीं मेरे को चाहिए तुम खुद से क्या तबाही मचाते हो वो देखना है मुझे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने, क्या केस स्टडी है ये? हाँ केस स्टडी है। किस फॉर्मेट में लिखेंगे? प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, ठीक है? मैं देखना चाह रहा हूँ अभी तुम क्या समझे, किस तरीके से उतारोगे। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा किसी का सही आएगा, बट देखते किसका कितना डोका है। ऑनलाइन वाले तुम भी फर्स्ट, ये कितने मार्क्स का है आंसर? 5 मार्क्स का। इसको हार्डली तुम कितने मिनट्स दे सकते हो मैक्सिमम? पागल हो गए हो क्या रे? क्या 100 मिनट का पेपर है क्या 180 मिनट का पेपर है? 180 ना, तो 8 मिनट्स तुम बेयर कर सकते हो। इसके ऊपर गए मतलब समझ लेना पेपर छूट रहा है। 8 मिनट लो, बज रहे 3:40, 3:48 को मैं आएगा। ऑनलाइन वालों तब तक तुम्हारे लिए ये स्क्रीन, फास्ट जल्दी। करो लिखना चालू।
हेलो 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 यस ऑनलाइन वालों हो गया क्या अभी? कैसा एक बार अपना ये डेमो खत्म हो गया ना एप्लीकेशन पेड वाले पे अपन शिफ्ट हो जाएगा, तब लॉ के में एक अलग ग्रुप बनाएगा व्हाट्सएप का, ठीक है? उसमें थोड़े बहुत ऐसे केस स्टडीज बस तुमको रीड करना है, दिमाग में नहीं डालना है, वो मैं डालते जाऊँगा, और जो अपन जो भी आंसर क्लास में लिखेंगे ना सब वो ग्रुप में वो पोस्ट करेंगे, ठीक है? उसमें सब मैसेज कर सकते, तुम्हारे डाउट्स हो गए घर पे पढ़ते वक्त, ऑनलाइन वालों तुम भी जो अपन ने आंसर राइटिंग की वो सारा का सारा आंसर कहाँ डालना है? ग्रुप में डालना है, और बेस्ट आंसर में सिलेक्ट करेगा उसमें से और ग्रुप पे ही बताएगा, क्लियर है? फैक्ट्स ऑफ दी केस ऐसे नहीं लिखना था, तूने कंक्लूजन दिया फैक्ट्स में, आवाज है ना? कंक्लूजन तेरे को क्या पूछा है? तेरे को फैक्ट्री एग्जैक्ट एप्लीकेबल ये पूछा क्या? ये फैक्ट्री है या नहीं वो पूछा है ना? ठीक है, उसको मैं इस आंसर को देखो 5 में से 2.5 2.5 या 3 दे देगा, 2.5 बेटर रहेगा। क्यों मैं देखो बताता हूँ, डेफिनेशन जो तूने लिखी है वो दो पार्ट्स में लिखनी थी, जो मैंने प्रिंटेड नोट्स में जैसा बताया, हो गया क्या? टेबल नहीं बनाने का? हाँ हाँ ऐसे ही थोड़ी ना पास कर देगा तुमको, एंटर। अरे हुआ कि नहीं रे, 13 मिनट हो गए देखे सब। मैं लिखूँ क्या अभी? नहीं तुमको क्वेश्चन चाहिए क्या? क्वेश्चन हटा दो, फोटो ले ले, मतलब मैं साइड में लिख के रखता हूँ। हाँ ठीक है,
स्मेल ही करो। चलो जान देना अभी, मैं प्रोविजन सुन लिख लेता हूँ क्या है आंसर। ए में क्या आएगा सबसे पहले, ये केस स्टडी है ना, तो कौन सा फॉर्मेट में लिखना है, प्रोविजन फैक्ट्स कंक्लूजन। प्रोविजन में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या, तुमको लिखना चाहो तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, बेटर इंप्रेशन, ठीक है, बेटर इंप्रेशन। वो जो अपना तीन चार लाइन का इंट्रोडक्शन था वो लिखने की ज़रूरत है क्या, मैंने वो लिखने की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी जो लिखा के दिया है वो है ना। फिर अगले पॉइंट में क्या आएगा, एज पर सेक्शन 2M ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्री मीन्स एनी क्या था, यस एनी प्रीमाइसेस कॉमा इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग प्रेजेंस वेर, अभी अभी क्या ध्यान देना, ओए 4 बज गए, अरे अरे अरे, दो मिनट, वेर ए क्या 10 or more workers, मेरे दिमाग में है ही नहीं कि अगला लेक्चर है, 10 or more workers विद द एड ऑफ पावर नहीं आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे इन प्रीसीडिंग 12 months, और फिर क्या था, कैरिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वेट बी पॉइंट वेर, मतलब ये देखो कैसा होता है, वेर 10 or more workers, फिर आता है वेर 20 or more workers आर वर्किंग, बस ये विथ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, विदाउट द एड ऑफ पावर, बाकी सारी चीज़ें सेम है ना, ये बी। फिर सी में क्या आएगा, इट एक्सक्लूड्स या तो इट डज नॉट इंक्लूड्स अपनी वो चार चीज़ें, माइंस रेलवेज रेस्टोरेंट्स और आर्मी, आया ना, क्लियर है, बिल्कुल। देन आ रहा है क्या पॉइंट बी में, फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, अभी फैक्ट्स में किस तरीके से लिखना है, हेलो समरी लिखना है अपने को, क्या लिखनी है, समरी लिखनी है किसकी, ये क्वेश्चन की टिक-टिक कर रहा हूँ, फटाफट लिखो, ऑनलाइन वालों तुम भी फटाफट, फैक्ट्स तुमको एक लिख के बताऊंगा मैं, फिर आगे समरी किस तरीके से होनी चाहिए, क्या है, करें स्टार्ट। ABC Limited इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वर्किंग विद द एड ऑफ पावर, ABC Limited is a manufacturing company working with the aid of power ABC Limited is a manufacturing company working with the aid of power हुआ aid of power comma with eight workers as on 31st March 2014, comma with 8 workers as on 31st March 2014, full stop, on 1st April 2014,
एडिशनल थ्री वर्कर्स वर अपॉइंटेड, एडिशनल थ्री वर्कर्स वर अपॉइंटेड एंड एंड ऑन 30th अप्रैल 2014 एंड ऑन 30th अप्रैल 2014 टू वर्कमैन लेफ्ट द कंपनी, टू वर्कमैन लेफ्ट द कंपनी। लिख लिया पूरा, ये रहते हैं फैक्ट्स, दैट्स इट। ये क्या है? फैक्ट्स। तुम फैक्ट्स में क्यों बता रहे हो 11 है इतने, ये है ऑलमोस्ट जितने भी लोगों का मैंने देखा। फैक्ट्स में क्या बताना है, बस जो क्वेश्चन में बातें दी गई है वो तुमको उतारना है समरी में। कितने लाइन का फैक्ट्स हुआ? 4, सफिशिएंट। क्वेश्चन कितने लाइन का? 8 लाइन का क्वेश्चन है, वो भी टेक्स्ट बुक का। मतलब तुम अगर सेम कॉपी पेस्ट करोगे क्वेश्चन, तुम्हारे 10-12 लाइन भर जाएगा। समझा किस तरीके से फैक्ट्स लिखने का? एंड लास्टली क्या आएगा, क्या आएगा सी पॉइंट में? कंक्लूजन। कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है? हेंस एज पर द अबव प्रोविजन देयर वर 11, यहां बताओगे तो देयर वर 11 वर्कर्स एज ऑन कौन से तारीख पे 11 वर्कर्स हो गए थे? कब? बराबर जब 3 अपॉइंट हुए तभी है ना, तब 11 हो गए थे। फर्स्ट अप्रैल 2014, सो एबीसी लिमिटेड। क्वेश्चन क्या पूछा गया तुमको? अभी क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखना है। वन ऑफ द वर्कमैन डिमांडेड दैट फैक्ट्रीज एक्ट शैल बी एप्लीकेबल टू दिस कंपनी बट द मैनेजमेंट डिनाइड। तो देखो अभी किस तरीके से आंसर फ्रेम होता है। अनदर पैराग्राफ इसमें, सो द डिनायल ऑफ मैनेजमेंट इज इनकरेक्ट एंड मिस्टर कौन था, बसंत था ना, एंड मिस्टर बसंत क्या बोला था उसने, ओपिनियन दिया था कि क्या किया था, डिमांडेड एंड मिस्टर बसंत डिमांड दैट फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज एप्लीकेबल टू द कंपनी इज करेक्ट, फुल स्टॉप। देयरफॉर एबीसी लिमिटेड इज अ फैक्ट्री। समझा किस तरीके से होना चाहिए आंसर? ये आंसर लिखेंगे तो तुमको 4 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे पूरे के पूरे। क्लियर है बात? कुछ भी पॉइंट छोड़ा मैंने इसमें? एनी पॉइंट? ऐसा लग रहा है ये भी लिखना चाहिए था, ऐसा कुछ है? सब कवर किया, ठीक है। और ये 8 मिनट में तब कंप्लीट होगा जब तुम्हारा सब्जेक्ट पे कमांड रहेगा। डेफिनेशन अगर सबको याद थी बट लिखना बहुत अलग पड़ जाता है, ठीक है। जल्दी एक क्वेश्चन जो मैंने बोला ना, चॉकलेट क्वेश्चन, ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट लो, ये ध्यान दो चॉकलेट क्वेश्चन चॉकलेट ले लो, आंसर दे दो। ऑनलाइन वालों क्लियर है? यस ऑनलाइन पीपल सब क्लियर है? ले लिया ना फोटो सबने? यस। 8वां वाला, ये वाला केस स्टडी लिख के लाना है क्या? नहीं, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो समझो और मेरे को इसका कंक्लूजन दो। ये मैन्युफैक्चर सवाल क्या है? विल देयर क्लेम बी सक्सीड, मतलब सिंपल इसमें क्वेश्चन ये है, जो भी हुआ है ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि नहीं है, ये पूछा गया। क्लियर?
देखता हूँ कौन लाता है इसका जवाब। चलो बाय बाय, टेक केयर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट बताओ? सर आ जाओ आ जाओ। ऑनलाइन वालों कोई भी डाउट जल्दी बताओ। चेक कर दो चेक कर दो। चलो कोई नहीं रहेगा, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय टेक केयर। लगा ले भाई, हो गया स्ट्रीम एंड कर देना।